महादेव को अपना बना रहे, भगवान शिव को अपना बना रहे, भगवान ओगड़दानी को आप अपना बनाने का प्रयास कर रहे। एक शिव महापुराण में कामदेश के राजा का बड़ा सुंदर चरित्र कहा गया। बड़ा सुंदर चरित्र, कामदेव का राजा था, शिव महापुराण में उसका नाम आता है सुदक्षिण। बड़ा शिव भक्त था। अब वो कामदेव का जो राजा था सुदक्षिण, अपनी धर्म पत्नी सुदक्षिणी के साथ में भगवान शिव की आराधना किया करता था, भगवान शंकर की आराधना। उसका एक नियम सबसे ज्यादा प्रबल था, सबसे भारी उसका एक नियम था कि वो कोई उसके दरवाजे पर, अगर राजा के दरवाजे पर कोई न्याय मांगने आता था या कोई भिक्षा मांगने आता था या उसके दरवाजे पर कुछ मांगने आता था, तो पहले वो सुदक्षिण उससे 108 बार भगवान शंकर का नाम मुख से निकलवाता था। कल आपको कथा में कहा था, ढीले कम कर दे बाबू, कल आपको कथा में कहा था कि कोई आपके दरवाजे पर मेहमान आया, आपके दरवाजे पर कोई अतिथि आया, आपने उसको चाय पिलाई, मेहमान को भोजन कराया, ठंडा मीठा जो भी खिलाना था खिलाया, बाद में वो मेहमान खा पी कर सोकर आराम कर कर दो दिन में तीन दिन में चला गया, पर उस मेहमान ने आपके घर में जाकर शिवालय का दर्शन नहीं किया, तो उस मेहमान का आना बेकार है और आपका मेहमान के प्रति जो रुझान है वो भी बेकार। शंकर भगवान माता यशोदा जी के यहां पर मेहमान बनकर गए थे एक बार, वो कहे श्री कृष्ण के दर्शन करने चले सदा शिव को गाय, भगवान कृष्ण का दर्शन, मेहमान आए और तुम्हारे दरवाजे पर आकर के कि हमें भगवान का दर्शन करा दो, तो समझ लो कि मेहमान भी सार्थक है और तुम्हारा घर भी सार्थक है, ये दोनों सार्थक। और खाया पिया चल दिए तो कोई ना, हमारे पास में फोटो लेकर, गुरुजी हम लड़की देखकर आए हैं, 10 लोग गए थे, लड़की देखकर आए, लड़के के लिए बहुत अच्छी है, व्यवहारिक है, गुरुदेव परिवार अच्छा है, हम पूरा घर का व्यक्ति गया था, 10 लोग गए थे बैठे, जितना पूछा उतनी बोली, लड़की के मुंह से आवाज नहीं आए गुरुजी ऐसी जोरदार लड़की है, आई बोली है, जब वो बोलेगी तो तू भी डोलेगी, अभी काहे बोलेगी, अभी तो शादी ब्याह करना है, उसको भी मालूम है कि संबंध करना है तो थोड़ा मुख को दबा कर रखना पड़ेगा, कम बोलना पड़ेगा, कि शादी कर रहे हो, एक बार जब लड़की देखने जाओ या लड़का देखने जाओ तो पहले उसके घर के मंदिर को, उसके घर के देवालय को, उसके घर के शिवालय को भी जरूर देख। उसका भाव प्रबल है कि नहीं, ये उसके भीतर होना चाहिए, भक्त जागृत नहीं होगा तो जीवन का कोई सुख नहीं। एक कह देना कर लेना अलग बात है,
सास बहू से कह कि तू ये सोमवार का व्रत कर ले, पशुपति व्रत कर ले, सास के कहने पर बहू करे वो एक अलग बात है। बहू के अंदर पशुपति व्रत के प्रति भाव जागृत हो जाए और जब वो व्रत करे वो एक अलग बात है, फिर महादेव सुनता ही है। क्या कह रही है भगवान ओगड़दानी का संवाद कर, शिव महापुराण की कथा कर, विश्वास जगाइए अपने भीतर। विश्वास, भरोसा। महाराज कामदेश के राजा सुदक्षण उनकी धर्म पत्नी के साथ सिंहासन पर बैठते थे और न्याय देते थे। न्याय देने के पहले उनका एक निर्णय था, दरवाजे पर कोई मांगने आएगा तो 108 बार नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कहे। न्याय दिया जाएगा तो उसमें भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय कहा जाएगा, बहुत जरूरी है। आप भी एक नियम बना लो, जलगांव की इस पवित्र कथा से, बड़े जटाधारी महादेव की इस पवित्र भूमि से, कि हम भी एक नियम बनाते हैं, हमारे दरवाजे पर अगर कोई मांगने आएगा तो पहले उसके मुख से हम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहलवाएंगे। शिव महापुराण किस किस के घर में है? आप लोगों में से कितने लोग हैं जिन्होंने शिवपुराण पढ़ी है? शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा है, जो एक बार मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह देता है उसके मुख का मात्र दर्शन कर लो तो अश्विक यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। विद्येश्वर संहिता में शिव महापुराण के अंतर्गत लिखा, मात्र मुख का दर्शन करने वाले को भी कोटि कोटि पुण्य फल प्राप्त हो जाता। अब क्षण अपनी धर्म पत्नी सुदक्षिणी के साथ बैठे हैं, न्याय करने से पहले 108 बार भगवान का नाम लिवाते, तुम्हारा न्याय होगा पहले मंत्र बोलो, बोलो नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, न्याय होगा निश्चित है। दान मांगने आयो हम दान देंगे, अंदर से आटे की कटोरी भर कर लाओ या चावल देने जाओ या कुछ देने जाओ तो उससे पहले महाराज जी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, महाराज जी को क्या हो गया, ये क्या बोल रहे, बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, आटा दो उसके पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम होना चाहिए, चावल दो उसके पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम होना चाहिए, भंडारे में भोजन कराओ, रोटी दो, पूड़ी दो, सब्जी दो, चावल दो उसके पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम होना चाहिए, खाने से पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम होना चाहिए। हम जो अन्न खा रहे हैं वो अन्न किसी का भी हो हमारे अंदर जाकर पवित्रता का भाव करे और हमारे हृदय में भक्ति का संचार करे। महाराज राजा सुदक्षण न्याय करने के लिए बैठे थे, न्याय देने से पहले उनके मुख से निकला हुआ मंत्र का स्मरण सुख देता। एक दिन राजा सुदक्षण घोड़े पर सवार होकर मृगा करने के लिए वन में पहुंच गए, रास्ता भूल गए, मार्ग भूल गए, राजा सुदक्षण मार्ग से भटक गए। पर भीतर में जो मंत्र भरा हुआ था वो मंत्र डूबने नहीं देता, संत तुकाराम संत नामदेव मुक्ता भाई ये पवित्र भूमि कोई साधारण है? जिस भूमि पर संतों ने जन्म लेते रहे और इस पवित्र भूमि से ऐसा ज्ञान दिया कि दुनिया का कोई व्यक्ति उसको बस केवल धारण कर ले। संत ज्ञानेश्वर एक बार बैठे हुए थे, संत ज्ञानेश्वर बैठे हैं, एक महिला आ गई संत ज्ञानेश्वर के पास, संत ज्ञानेश्वर जी के पास में एक महिला आई, आकर अपने बेटे को साथ में लेकर आई और संत ज्ञानेश्वर जी के पास में आकर बोली बाबा जी बाबा जी बाबा जी। बोले क्या बात है, क्या हुआ? मेरा बेटा जो खाता है वोमिटिंग कर देता, उल्टी कर देता, पछता नहीं।
बाबा जी इसके लिए कुछ बता दो। संत ज्ञानेश्वर ने कहा मैं कल उत्तर दूंगा, तुम ले जाओ। बेटे को लेकर मां चली गई, बेटे को लेकर मां गई। दूसरे दिन मां फिर आ गई, बाबा जी मेरा बेटा कुछ भी खाता है उल्टी करता है। संत ज्ञानेश्वर ने उस मां के बेटे को अपने पास में बुलाकर कहा बाबू आप मीठा ज्यादा खाते हो, गुड़ ज्यादा खाते हो। उस बच्चे ने मुंडी हिलाकर कहा हाँ गुरुजी मैं गुड़ ज्यादा खाता हूँ। अब मत खाना हो, आज से गुड़ खाना बंद कर दे तू, अब तो नहीं खाएगा मीठा ज्यादा, क्योंकि तू मीठा ही मीठा खाता है तो तेरे शरीर में मिर्ची कोई काम नहीं कर रही, नमक काम नहीं कर रहा, अब तो नहीं खाएगा। नहीं, उसने मुंडी हिला। महिला को गुस्सा आ गया, महिला को गुस्सा यह आया कि बताओ इतनी सी बात बोलना थी तो मैं कल आई थी, जब ही बोल देते, जब इतनी सी बात मेरे बच्चे को बोलना था कि गुड़ मत खाओ, इतनी सी बात को बोलने के लिए दूसरे दिन बुलाने की जरूरत क्या थी। इतना पैसा लगा कर आई, पैदल चलकर इतनी दूर आई, बताओ इतने बड़े महात्मा जी हैं, बोलना ही था तो कल क्यों नहीं बोला। महिला के मन में ये बात पेट में दुख रही थी तो महिला ने कही दिया महाराज जी से, महाराज जी संत ज्ञानेश्वर बैठे थे और कहा महाराज जी मुझे आपकी एक बात अच्छी नहीं लगी। संत ज्ञानेश्वर ने पूछा कौन सी, ये बात आपने मेरे बच्चे से कहा कि गुड़ मत खाना, ये बात आप कल नहीं बोल सकते थे, मुझे आज बुलाया बोलने के लिए। संत ज्ञानेश्वर जी ने कहा महिला से माँ तू कल जब बच्चे को लेकर आई थी ना मेरे पास में कटोरा भर के गुड़ रखा हुआ था, मेरे पास में गुड़ रखा हुआ था और मैं तेरे बच्चे को खाने के लिए मना करता तो तेरे बच्चे के दिल में आता गुरुजी खुद तो गुड़ खा रहे और मुझे मना कर, गुरुजी खुद तो गुड़ खा रहे और मुझे मना कर रहे। इसलिए संत ज्ञानेश्वर ने कहा मां तेरे जाने के बाद कल से मैंने इस गुड़ का त्याग कर दिया था, क्योंकि मैं पहले छोड़ूंगा तब तो बच्चा छोड़ेगा, हम सुधरेंगे तब तो युग सुधरेगा। ये संत हैं महाराष्ट्र के, ये पवित्र भूमि के संत हैं, साधु हैं, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, कोई साधारण है क्या? पहले खुद छोड़ो तब दूसरे को कहो। फिर दूसरे से दुख देखा, हमारे पिताजी ने भी दुख देखा, माता ने भी दुख देखा, वो दुख देखते देखते जो शिव ने साथ दिया आपके सामने वो प्रस्तुत करते हैं। उस समय पर बाबा भोलेनाथ जब हमको साथ दे सकते हैं तो क्या आपको नहीं दे सकते, क्या आपको नहीं दे। भजन करो, घर की सास पहले पशुपति व्रत करे तब बहू को प्रेरणा दे, घर की सास पहले मंदिर जाकर एक लोटा जल चढ़ाए तब बच्चों को प्रेरणा दे कि मैं जाती हूँ चल मेरे साथ, मैं जाता हूँ चल मेरे साथ। घर का पिता पहले खुद मदिरा छोड़े तब बच्चे से कहे कि तू मदिरा मत पीना, घर का पिता पहले गुटखा छोड़े तब बच्चे से कहे कि तू गुटखा मत खाना, घर का पिता पहले सिगरेट बीड़ी छोड़े तब बच्चों से कहना कि सिगरेट बीड़ी मत पीना। तुम पी रहे हो, तुम खा रहे हो और बच्चों से आस लगा कर बैठे हो ये मदिरा नहीं पिएगा, ये गुटखा नहीं खाएगा, ये बीड़ी बिंडल नहीं पिएगा, तो तुम्हें देखकर वो जरूर पिएगा, पहले तुम्हें छोड़ना होगा तब वो छोड़ेगा। भारत की भूमि पर, पूरे विश्व में, भारत में ही नहीं विदेश में भी आज प्रसन्नता इस बात की होती है कि लोग अब कहीं इधर उधर आडंबर में, ढोंग ढकोसले में कोई रहा, सब शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जा रहा। अब ढोंग ढकोसले में कोई नहीं जाता, आडंबर में कोई नहीं जाता, अब कोई इधर उधर भटकता नहीं है कि किसी के यहाँ जाएंगे, कोई घूमेगा बताएगा फिर वो हमको बोलेगा कि तुम्हारे घर में ये दुख है कि तकलीफ, ना ना, आज के जमाने में तकलीफ है शिव जी का मंदिर है, दुख है शिव का मंदिर है, बीमारी है शिव का मंदिर है, कष्ट है शिव का मंदिर है, जाओ बाबा की शरण में जाओ। आज के समय में लोग शिव है और उसके सिवाय कुछ, भटकना छोड़ दिया लोग। कामदेश के राजा सुदक्षण चले मार्ग से भटकते 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 भटकते, जब मृगा करने के लिए चले तो वन में से मार्ग भटक गए, मार्ग भटके एक एक ऋषि के, एक मुनि के आश्रम में पहुंच गए, मुनि के आश्रम। अब
जब मुनि के आश्रम में पहुंचे तो राजा सुदक्षिण नीचे उतरे, उनको बहुत प्यास लग रही थी, बहुत भूख लग रही थी। उन्होंने प्रणाम करा मुनिवर के आश्रम में। जैसे ही गए तो मुनिवर तो ध्यान साधना में लीन थे, ध्यान साधना। राजा का फर्ज है प्रणाम करना, नमन करना। जो राजा बनता है, जो राजा होता है, किसने क्या बोला, किसने क्या करा, किसने क्या कहा, राजा को उससे मतलब नहीं होता। एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना बहुत अच्छी। राजनीति के अंतर्गत कोई हारता है, कोई जीतता है। जब तुम राजा बनकर बैठ जाओ, जब तुम जीत जाओ, राजा बनकर सिंहासन पर बैठ गए, उस सिंहासन पर बैठने के बाद जब तक तुम सिंहासन पर नहीं बैठे थे, उस बीच में दौड़ में, उस दौड़ के अंतर्गत कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे, कोई कुछ बोला, ध्यान आकर राज सिंहासन पर बैठो। और जब मुनिवर के यहाँ पहुँचे, आश्रम में पहुँचे, आश्रम में पहुँचकर उन्होंने प्रणाम कर कर कहा, मुझे बहुत बहुत भूख लग रही है, बहुत प्यास लग रही है, मुनिवर 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 आवाज लगा रहे हैं, मुनिवर आराम कर रहे, भगवान का भजन कर रहे, विश्राम कर रहे, भगवान की स्तुति कर रहे। या नहीं, थोड़ी देर बाद मुनिवर के नेत्र खुले, और मुनिवर के नेत्र खुले तो मुनिवर ने कहा, क्या बात है राजन, क्या हो गया आपको, कैसे आना हुआ। राजा कहते हैं, महाराज जी रास्ता भटक गया हूं, भूख प्यास लग रही है, इसलिए आपके आश्रम में आया। भूख प्यास लग रही है इसलिए आपके आश्रम में आया हूं। कभी कभी ऐसा हो जाता है, कभी कभी। कथा कहती, कोई स्थान मत देखिए, जहां तुमको जगह मिल जाए वहां बैठ जाओ। शिव कथा का रसपान तुम्हारी कानों में जाना चाहिए, तुम्हारे कर्ण में जाना चाहिए, और कथा को सुनो। आरती हो, कर्पूर गोरम हो, प्रणाम करो, भूमि की रज को मस्तक लगाकर अपने घर पर चले जाओ। मेरा बाबा खुद तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारे घर तक चले पहुंचे। राजा सुदक्षिण और महाराज, राजा सुदक्षिण जब महाराज मुनिवर के सामने जाकर कहते हैं, मुझे भूख प्यास लगी है, मुनिवर ने कहा, राजन तुम्हें भूख प्यास लग रही है, हाँ लाओ मैं फल लेकर आता हूं। अंदर गए, संत ऋषि गुरुवर के घर में जो मिल जाए, उसमें नमक है ना है, स्वाद है ना है, संत ऋषि वर गुरुवर के दरवाजे से जो मिल गया उसे पा लिया, उसे पा लिया। संत गुरु के दरवाजे से जो मिल गया उसे पा लिया, कुबेरेश्वर धाम आते हैं सीहोर। बहुत सारी सारी होटलें खुल गई हैं, बहुत सारे सारे लोग ढाबे हैं सब दूर पर। आप भले ढाबे पर भोजन करो, होटल पर भोजन करो, पर कुबेरेश्वर धाम जब जाएं, जिस समय भोजन का हो या खिचड़ी का प्रसाद भी, वहाँ ज़्यादातर तो खिचड़ी का जो प्रसाद मिलता है आप उसे पाएं, भले वो पतरी हो, गाढ़ी हो, कट्टी हो, उसको थोड़ा सा पाएं, मांग कर साफ कर कर बर्तन फिर जाए, उसका फल कितना है। कई लोग तो आते हैं तो उसमें डब्बा में थोड़ा सा देना, साफ लेकर जाना। दिन भर कुबेरेश्वर धाम की कंकर शंकर की भूमि पर दिन भर भगवान का भजन, दिन भर श्री शिवाय
नमस्तुभ्यम जपा जा रहा है दिन भर। हाँ, साधु के यहां, गुरुजन के यहां कुछ पाए। राजा सुदक्षण मुनिवर के यहां जाकर कहते हैं मुझे भूख लगी है। कोई आपसे कहे कि गुरु के घर का ना खाइए, कोई आपसे कहे कि मंदिर का ना खाइए, कोई आपसे कहे, आप इतना सा कहना मंदिर का धन नहीं खा रहे, हम गुरु का धन नहीं खा रहे, हम तो गुरु से मांग कर उसके मुख का जो अधरामृत है, उसके भजन का जो अधरामृत है, वो हम मांग इसलिए रहे हैं कि हमारे भीतर के विकार रोग समाप्त हो जाए, भीतर की तृष्णा समाप्त हो जाए, भीतर की महाराज। नमस्ते शंकर का संवाद कह रहा, शिव तत्व कह रहा। मुनि के दरवाजे पर, संत के दरवाजे पर, ऋषिवर के दरवाजे पर राजा सुदक्षण, संत ऋषिवर फल लाकर दिए, वो राजा सुदक्षण ने लिए। और उस फल को राजा सुदक्षण ने खाया। फल इतने मीठे थे कि राजा सुदक्षण कहे बिना नहीं रह पाए। कह दिया, महाराज जी इतना मीठा फल तो मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं खाया, इतना मीठा फल अपनी जिंदगी में आज तक नहीं पाया। राजा तो सुदक्षण बोले, ऋषि बोले कि हम जिस राजा के नगर में रहते हैं वो राजा शिव का भक्त है, न्याय करता है तो मुख से 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बुलवाता है, ओम नमः शिवाय बुलवाता है, नमः शिवाय बुलवाता है। हमारे राजा जैसा कोई दुनिया में न्याय नहीं कर सकता, इतना सुंदर न्याय हमारा राजा करता है। राजा सुदक्षण ने पूछा, क्या आप कभी राजा से मिले हो? नहीं। क्या नाम है आपके राजा का? मेरे राजा का नाम राजा सुदक्षण है। अब राजा ने मुनिवर को, ऋषिवर को यह नहीं बताया कि मैं ही सुदक्षण हूं। आप कितनी बड़ी गादी पर बैठते हो, आप कितने बड़े सत्ताधारी हो, आप कितने बड़े वैभवपति हो, आप कितने बड़े किस सिंहासन के मालिक हो, आप कौन से किस जगह कर कौन सा पद आपके पास में है, आप सबको बताओ, आपका पद, आपका गौरव आप सबको बताओ, पर दो जगह पर अपना पद कभी मत बताओ, एक अपने घर की माता पिता को और दूसरा अपने गुरु को अपना पद कभी मत। एक माता पिता को कभी मत कहो कि मैं इतना बड़ा सत्ताधारी हूं, मेरे पास में इतना वैभव है, मेरे पास इतनी सत्ता है,
मेरे पास में ये है, मेरे 40 नौकर हैं, 50 नौकर हैं, मेरे हाथ के नीचे इतने लोग काम कर रहे हैं, मैं वहाँ का राजा हूँ, मैं वहाँ का ये हूँ, मेरे पास ये मिनिस्टर का पद है, मैं यहाँ का मंत्री, वहाँ का संतरी, मैं आमदार, मैं खासदार, मैं ये, मैं वो, ना ना ना, मैं अध्यक्ष, मैं उपाध्यक्ष, कुछ नहीं। माता की दृष्टि में पुत्र पुत्र रहना चाहिए और पुत्र की दृष्टि में पुत्री की दृष्टि में पुत्र की दृष्टि में माता पिता, माता पिता रहना चाहिए। उनकी दृष्टि में ये कुछ मान सम्मान ये नहीं होना चाहिए कि पिता के पद से बड़ा बेटे के लिए कोई पद नहीं है, कि मैं पिता है मेरे, उनके सामने मैं छोटा, कोई क्या कहे। अरे मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। तो क्या हो, किसी को क्या मान, आपका ये फल इतने मीठे के हैं तो क्या हमारे नगर का राजा अच्छा, हमारा राजा बहुत अच्छा। कोई कितना भी तुम्हारा बुरा करे, कोई कितना भी तुमको अपशब्द कहे, कोई कितना भी तुमको ताना दे, कोई तुमको कितनी भी गाली दे, नगर का राजा ऐसा होना चाहिए कि उसके चेहरे पर सल ना आए। कह दिया ना, कोई बात नहीं, आड़ा टेढ़ा बोल दिया ना, कोई बात नहीं, कहे पहन। हमारे नगर का राजा अच्छा है इसलिए हमारे यहां के फल भी मीठे हैं, फल मीठे हैं। राजा सुदक्षण ने पूछा कि फल राजा के अनुसार चलते हैं क्या? हां, जिस नगर में जिस राज्य में राजा अच्छा हो, जिस नगर में जिस राज्य में भजन होता हो, जिस गांव में जिस नगर में जिस राज्य में भगवान की भक्ति होती हो, वहां बीमारी प्रवेश करने से पहले भी सोचती है कि मैं किसी को मारूं कि ना मारूं। ओगड़ी, आपने लिखा है मेरे बाबा, आपने लिखा है मेरे बाबा दयाल दातार शंभु त्रिकाल दर्शन शिव ओखड़ी है, उसका भजन, उसका कीर्तन, उसका मंत्र जाप, उसका स्मरण खाली नहीं जाता, खाली नहीं जाता। बस शिव महापुराण की कथा कहती है, राजा सुदक्षण ने पूछा क्या ऐसा हो सकता है, गला पकड़ रहा बहुत, राजा सुदक्षण ने पूछा क्या ऐसा हो सकता है क्या ऐसा हो सकता है कि राजा के व्यवहार से फल मीठे हो सकते हैं, राजा के व्यवहार से क्या फल मीठे हो सकते हैं? क्यों नहीं? अगर राजा का व्यवहार बेकार होगा तो ये फल भी कड़वे हो जाएंगे, खट्टे हो जाएंगे और बगीचा पूरा उजड़ जाए, बगीचा पूरा उजड़ जाए, ये फल भी बेकार हो। ऐसा होता है? हाँ, राजा सुदक्षण ने विचार करा एक बार प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है, जरा देखूं मैं। आज राजा सुदक्षण गया और राजा सुदक्षण आज गया नगर में, उसने कर बढ़ा दिया
लोगों को परेशान करना प्रारंभ करा। परेशान करने के थोड़े दिन बाद उस मुनि के दरवाजे पर गया तो उसका बगीचा बिखरा हुआ था, फल खाए कड़वे हो चुके थे, खट्टे हो चुके थे। राजा ने मुनिवर से पूछा, तुम्हारे फल खट्टे और कड़वे कैसे हो गए? महाराज, हमारे यहाँ का राजा फिर बेकार हो गया। राजा भक्ति कर रहा है तो फल भी मीठे होते हैं। क्या व्यवहार से फल मीठा हो सकता है? क्यों नहीं। और खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता दिन विचार कर लिया कि अब अपने को अपना व्यवहार खराब नहीं करना, घर के बच्चे परिवार फल फूल सब आपके व्यवहार से ठीक होते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, राजा सुदक्षिण की कथा बहुत विस्तार से है, बहुत विस्तार से। आप और हम उसको श्रवण करेंगे, बहुत विस्तार है उसमें। अभी हम भगवान श्री गणेश जी महाराज पधार रहे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर भगवान श्री गणेश जी महाराज का स्वागत करेंगे। कल जो कथाओं की घोषणा करी गई थी उसमें दो कथाओं की तारीफ कर भाव से करें। आप सब आनंद के साथ शिव महापुराण की कथा का लाभ लें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। हर हर सभी भक्तों बागा बने आगे।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज चौथे दिवस की सिंह महापुराण कथा आपने गुरु जी के मुखार बिंदु से अच्छे से बाँची होगी। आज की कथा में गुरु जी ने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का 108 बार जापने का क्या फल होता है ये आपको बताया, स्मरण करवाया कि अगर कोई श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र का जाप करता है तो उसके मुख से निकली हुई वाणी 100 अश्वमेध यज्ञ के बराबर होती है। तो मैं आशा करूँगा आपने महाराज जी की आज की कथा अपने जीवन में उतारेंगे और कथा के कुछ मुख्य बिंदुओं को आपके सामने प्रस्तुत किया है मैंने, मुझसे जो भी कुछ त्रुटि हो गई हो मुझे क्षमा करना। बाबा भोलेनाथ आपका घर आपका जीवन खुशियों से भरें ऐसी कामना रहेगी हम लोगों की। जय श्री भवा महाकाल। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।